आइए आज हम स्टडी करेंगे प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 में कह रहा है, क्या निम्नलिखित अभिक्रिया के फलस्वरूप बोरान तथा नाइट्रोजन परमाणुओं के संकरण अवस्था में परिवर्तन होता है। तो देखिए रिएक्शन दी गई है BF3+NH3 से मिलके F3B.NH3 बना है कंपाउंड। तो कह रहा है कि इस प्रक्रिया में BF3 का हाइब्रिडाइजेशन NH3 का हाइब्रिडाइजेशन जो है अभिक्रिया के पहले, क्या बाद में वही रहता है या बदल जाता है, तो ये हमको बताना है। तो देखिए इसका अगर हम फिगर बनाएं तो B की बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीनों रिएक्शन F के साथ इस तरह से बांड बना लेंगे। तो 3 बांड बने, हमने बताया था कि जब सिंगल बांड हो तो एक को यस मान लेते हैं, बाकी सब P रहेंगे। तो अगर हम इसको यस मान लें, इसको यस मान लें, तो ये दोनों P हो जाएंगे। तो एक यस है, 2 P है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा BF3 में बोरान का। रही बात नाइट्रोजन की, तो अगर इसको एन मान लिया जाए, एन 3H है इसके साथ में, 3H बना दिए, और चूंकि ये नाइट्रोजन पांचवें वर्ग का तत्व है तो 3 इलेक्ट्रॉन तो H के साथ संयोग करके बंद बना लिए, 2 बच गए, तो 2 को यहाँ लिख देंगे। हमने बताया था कि लिखते समय एक को यस मान लेंगे, बाकी सब पी हो जाएंगे। तो एक पी ए हो गया, एक पी ए हो गया, और एक पी हमारा ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है इसके लिए एक पी हो जाएगा। तो यस एक हो गया, पी 3 हो गए, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp3 हो जाएगा। तो ये BF3 में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, NH3 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब रही बात ये कंपाउंड बनाते हैं, तो जब कंपाउंड बनाते हैं तब क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, इसको हमें बताना है। तो BF3 अणु में B परमाणु sp2 संकरण दर्शाता है, बना दिया, तथा NH3 में N परमाणु sp3 संकरण दर्शाता है, अभी हमने बना के बता दिया। अब क्रिया के बाद B परमाणु का संकरण sp3 में बदल जाता है और N परमाणु का संकरण समान रहता है। जब अभिक्रिया करके ये F3B.NH3 बनता है तो BF3 का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाता है, NH3 का तो NH3 का वही रहता है। तो ये कैसे हो जाता है इसके बारे में हमको समझना है। तो इंग्लिश वाली बुक देखते हैं, तो इंग्लिश वाली बुक में देखिए क्वेश्चन है यही, तो इसका आंसर दिया है कि बोरान आइटम इन BF3 इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो बोरान आइटम जो है ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन दर्शाता है, जैसा हमने बताया द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, द ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बोरान इन द एक्साइटेड स्टेट कैन बी शोन एज। तो जो बोरान है, बोरान का जो उत्तेजित अवस्था है, उस उत्तेजित अवस्था में क्या है, इस यस में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा और पी में 2 रहते हैं, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा एक्साइटेड अवस्था में। ग्राउंड स्टेट या तलस्थ अवस्था में देखा जाए तो यस में 2 रहे होंगे, तो वही उत्तेजित अवस्था में 1 इसका उछल के इसमें आया है, जैसा हमने NCERT पढ़ाते समय बताया है, उसको आप दे सकते हैं। अब देखें नाइट्रोजन आइटम इन NH3 इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। जो नाइट्रोजन परमाणु है हमारा वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण शो करता है। द ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ नाइट्रोजन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, जो इसका कक्षक की स्थिति है उसका चित्र यहाँ नीचे दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो 2s कक्षक है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है विपरीत चक्रण के, p में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो sp3 हो गया, sp3 हो गया। तो आफ्टर द रिएक्शन है जाकर, जब रिएक्शन हो जाती है, आयन एडक्ट BF3.NH3 इज फॉर्म्ड। तो ये जब रिएक्शन होती है NH3 और BF3 की, तो BF3B और NH3 बनता है।
इज फॉर्म्ड एज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बी चेंजेस टू sp3। तो इस समय क्या होता है कि जो हमारा bf3 है उसका हाइब्रिडाइजेशन nh3 में चेंज हो जाता है। हाउएवर द हाइड्रोजन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ n रिमेंस इंटैक्ट, जबकि जो नाइट्रोजन है उसका हाइब्रिडाइजेशन वही रहता है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि ये B है, इस तरीके से जो है ये BF3 बना है, ये NH3 है। अब NH3 के पास जो लोन पेयर थे, दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे, वो इलेक्ट्रॉन इस B को दे करके ये इस तरह से कोऑर्डिनेट बांध बना लेता है। ये तीर इधर को लगने का मतलब ये लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन थे, इसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो बंद नहीं बनाए थे, वो इस बी के साथ बंद बना लिए। तो इस प्रकार संरचना बनती है। तो अगर एक को यस मान लिया जाए तो ये पी हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, तो ये sp3 इसमें भी हो गया। इसमें एक को यस मान लें तो ये यस हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, एक पी ए, तो sp3, तो दोनों में sp3 हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है जब रिएक्शन होती है तो संरचना में दोनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड इस प्रकार से हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कह रहा है C2H4 तथा C2H2 अणुओं में कार्बन परमाणुओं के बीच क्रमशः द्वि आबंध तथा त्रि आबंध के निर्माण को चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो इसको देखते हैं हम। तो त्रि आबंध का बनना कैसे सिस्टम बनता है इसका, तो उसको देखते हैं। तो एक सिग्मा तथा दो आबंध, जब त्रि आबंध बनता है तो एक सिग्मा और दो पाई आबंध, यहाँ पर पाई होना चाहिए था। देखिए जब एक आबंध होता है तो वो सिग्मा होता है, एक रेयर केस था जिसमें एक आबंध भी पाई था, पीछे हमने NCERT में पढ़ा है। वैसे अगर एक बंध होगा तो वो सिग्मा होता है, दो होंगे तो एक सिग्मा एक पाई होता है, तीन होंगे तो एक सिग्मा दो पाई होते हैं। इस प्रकार से आबंध बनते हैं। तो वही कह रहा है त्रि आबंध का बनना मतलब एक सिग्मा और दो पाई आबंध। तो C2H2 अणु में sp संकरण होता है, हम स्पष्ट बता चुके हैं पीछे, फिर देख लेते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसमें देखिए इस प्रकार से बनेगा, ये C हो गया, तीन बंध हो गए, फिर ये C हो गया, ये H हो गया। तो अगर एक को हम यस मान लें, इसको यस, तो ये पूरा पी हो जाएगा, तो sp संकरण हो जाएगा। तो sp संकरण होता है। एथाइन अणु के, इसको एसिटिलीन या एथाइन भी बोलते हैं, तो एथाइन अणु के बनने में दोनों कार्बन परमाणु sp संकरण दर्शाते हैं। उन पर दो दो संकरित 2py तथा 2px कक्षक होते हैं। तो इसमें जो कार्बन है, ये कार्बन और ये कार्बन, इसमें बता रहा है कि 2px और 2py कक्षक होते हैं और दो दो होते हैं। पीछे हम लोग इसके संकरण के बारे में NCERT में अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो इसलिए अब यहाँ पर टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। एक कार्बन परमाणु का sp संकर कक्षक दूसरे कार्बन परमाणु के sp संकर कक्षक से अक्षीय अतिव्यापन यानी एक्जियल ओवरलैपिंग द्वारा C सिग्मा C बंध बनाता है। तो ये सी सिंगल बॉन्ड सी यानी एकल बंध है, तो ये सिग्मा बंध होता है, ये बनाता है। तो सिग्मा बंध कैसे बन रहा है, अक्षीय अतिव्यापन यानी एक्जियल ओवरलैपिंग द्वारा बन रहा है। बचे हुए संकरण कक्षक हाइड्रोजन के अर्धवृत्त 1s कक्षकों से अक्षीय अतिव्यापन द्वारा सिग्मा बंध बनाते हैं। तो जो बचे हुए हमारे हाइड्रोजन के संकर कक्षक हैं वो अर्धवृत्त, क्योंकि जो सिग्मा यस हमारा कक्षक है ये वृत्तक गोलीय प्रवृत्ति का होता है, तो इसीलिए कह रहा है इसकी आकृति गोली होती है, पीछे हम कई बार बता चुके हैं। तो
तो वही इसीलिए कह रहा है कि बचे हुए संकरण कक्षक हाइड्रोजन के अर्धवृत्त वनस कक्षकों से अक्षीय अतिव्यापन यानी एक्जियल ओवरलैपिंग द्वारा सिग्मा बंध बनाते हैं। दोनों कार्बन परमाणुओं पर उपस्थित दो दो असंकरित कक्षक पार्श्व अतिव्यापन द्वारा दो पाई बंध आबंध बनाते हैं। ये सब पीछे संरचना द्वारा हम लोगों ने बताया है, एनसीईआरटी जब पढ़ाया है। इस प्रकार इथाइन में दो कार्बन परमाणुओं के बीच उपस्थित त्रिक आबंध एक सिग्मा तथा दो पाई आबंधों से बना होता है। यहाँ पर देखिए इंग्लिश वाली बुक में स्पष्ट किया गया है चित्र बना करके। तो यहाँ पर कार्बन है, ये कार्बन है, इसके बीच जो आबंध था त्रिक आबंध, और इसके बाद यहाँ पर एच है CH2 बनना है, C2H2, तो दो कार्बन हो गए, H4 हो गए, CH2 और CH2, ये एथिलीन का है, एथिलीन देखिए C2H4 का है, तो C2H4 का पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर C2H4 में यहाँ डबल बॉन्ड होगा, बाकी सब सिंगल होंगे, तो डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा एक पाई रहता है। तो पहले सिग्मा के बनने को बता दिया है कि ये सिग्मा बन गया, हाइड्रोजन के साथ भी सिग्मा आबंध बन गया। तो ये हाइड्रोजन के साथ भी देखिए सिग्मा आबंध बना है, और एक सिग्मा इसको इस तरह बना सकते हैं CHH, डबल बॉन्ड CHH। तो एक ये सिग्मा बंध है, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, तो देखिए पांच सिग्मा हो गए। तो 1 2 3 4 पांचों सिग्मा बनाया, और एक ये पाई आबंध है। तो ये देखिए पाई वाले को ऐसे दिखाया, ये एक ही है, ये ऐसे रहते हैं पाई वाले, तो ये आपस में जो है ये टच में रहेंगे। तो टच चूंकि दूर दूर दिखाना है, टच कैसे होंगे इसको भी दिखाना, तो दूर करके इस तरह लकीर से दिखाया गया है। ये देखिए डॉट डॉट बनाया है, और इसको दूसरे तरह बनाया है, इससे ये पता चलता है कि ये एच पीछे की ओर है तो ये आगे की ओर है, या ये पीछे की ओर है तो ये आगे की ओर है। कहने का मतलब दोनों एक ही तल में नहीं है, ये कहने का मतलब। ये देखिए 2px 2px है, और इसी को इस तरह बना दिया है, ये सिग्मा है, इसको अगर हम काट दें जैसे गन्ना को बीच से फाड़ दें तो ये चित्र बनेगा, और अगर काट दें तो ये चित्र बनेगा। उसी प्रकार से ये पाई वाले देखिए काट दिए गए, तो किस प्रकार से सिग्मा से टच में है वो दिखाई देने लगा। तो ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, और एक सिग्मा, ये पांच, और ये पाई वाला जो पार्श्व में दोनों तरफ से मिला है, दोनों तरफ से दिखाया गया है जैसे गन्ने को काट दिया जाए उस प्रकार से। ये यहां पर देखिए स्पष्ट किया है कि ये सिग्मा है और ये सिग्मा बंध है, और ये देखिए कि प्लेन दिखाया है, प्लेन कि ये प्लेन है, उससे ऊपर नीचे इस प्रकार से पाई आबंध है, ये 2px है, ये भी 2px। प्लेन में देखिए दिखा रहा है कि हाइड्रोजन ये हमारी तरफ है तो एक पीछे की तरफ है, इसमें एक हमारी तरफ है तो एक पीछे की तरफ है, इसीलिए वहाँ लाइन में एक को डॉट दिखाया, एक को ये काले रंग से इस तरह दिखाया है, ताकि हमको पता चल सके कि दोनों एक ही तरफ नहीं है। तो किस प्रकार से फिगर बनाना है वो देखना। आप देखिए C2H2 की बात आ जाए तो C2H2 में देखिए क्या होगा, CCH H, और यहां पर तीन बंद रहेंगे, तो ये सिग्मा हो जाएगा, ये सिग्मा हो जाएगा, एक इसमें सिग्मा हो जाएगा, दो ये पाई हो जाएंगे। तो देखिए यहां पर H के साथ एक H गोलाकार होता है तो गोलाकार बना दिया, और यहां पर देखिए C एक सिग्मा, ये बीच वाला जो ये बनाया गया, एक सिग्मा ये जो बनाया गया वो ये हो गया, एक सिग्मा इधर हो गया, तो ये तीन सिग्मा दिखा गया। अब ये दो पाई बचे, उनको देखे यहाँ दिखाया,
एक पाई ये हो गया, एक पाई ये हो गया, इसका ये लोब इधर जाएगा, एक लोब ये, चार जो पाई लिखा है इसका मतलब है नहीं कि चार पाई, दो पाई आबंध है, क्योंकि इनके लोब हैं इधर, तो इधर भी दिखा करके पाई लिखा है, एक पी एक्स है, एक पी वाई है, तो पी वाई ये पाई एक हो गया और ये एक्स एक्स वाले एक पाई हो गया, यानी दो पाई है, जैसा यहाँ पर दो पाई आबंध है, एक पाई बंध ये है, एक पाई ये, इस प्रकार से बनाया जाता है। अब जैसे हमने बताया था गन्ने को फाड़ दिया जाए तो इस प्रकार का चित्र बनेगा, अगर काट दिया जाए तो ऊपर से देखें तो इस प्रकार से चित्र बनेगा। तो देखिए दो पाई इस तरह दिखाई दे रहे हैं, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, बीच में सिग्मा है, और पाई पाई को एक पाई ये ऊपर की तरफ, एक पाई ये नीचे की तरफ, तो दो पाई दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से हम लोग चित्र को बनाते हैं। तो ये 27वां क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। ये C2H2 के बारे में पहले बताया है, अब C2H4 के बारे में पढ़ लेते हैं। चित्र तो हम लोग देख ही चुके हैं, तो एथीन भी बोलते हैं इसको। तो एथीन अणु के बनने में कार्बन परमाणु का एक sp2 संकर कक्षक से अक्षीय अतिव्यापन द्वारा सी सिंगल बॉन्ड सी सिग्मा आबंद बनाता है। जो सिंगल आबंद है वो सिग्मा ही होता है, जबकि प्रत्येक कार्बन परमाणु के अन्य दो sp2 संकर कक्षक हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ sp2 सिग्मा आबंद बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिगर बनाया गया है, तो फिगर से भी स्पष्ट है, वैसे फिगर हम सारा पीछे बता चुके। एक कार्बन परमाणु का असंकरित कक्षक 2px या 2py दूसरे कार्बन परमाणु के समान कक्षक के साथ पार्श्व अतिव्यापन, पाई वाला पार्शियल अतिव्यापन करेगा पार्श्व, और सिग्मा वाला एक्सियल अतिव्यापन करेगा, अक्षीय अतिव्यापन। तो वही कह रहा है, एक कार्बन परमाणु का असंकरित कक्षक 2px या 2py दूसरे कार्बन परमाणु के समान कक्षक के साथ पार्श्व अतिव्यापन यानी पार्शियल ओवरलैपिंग द्वारा दुर्बल पाई आबंध बनाता है। सिग्मा आबंध ज्यादा प्रबल होता है, पाई थोड़ा दुर्बल होता है, जिसमें कार्बन तथा हाइड्रोजन परमाणुओं के तल के ऊपर तथा नीचे समान इलेक्ट्रॉन अभ्र होता है। तो ऊपर तथा नीचे समान इलेक्ट्रॉन अभ्र होता है, जैसे ये ऊपर नीचे नहीं था, इस प्रकार से। इस प्रकार एथीन अणु में सी सिंगल बॉन्ड सी के मध्य एक sp2 संकरित कक्षकों में सिग्मा आबंध तथा एक पाई आबंध 134 पिकोमीटर का होता है। इस दूरी का अपना समझ लीजिए कि दूरी का कोई मतलब नहीं है, पाई और सिग्मा आबंध होते हैं जो पी कक्षकों के मध्य होता है, जो सिग्मा आबंध है वो पी कक्षकों के मध्य होता है, जैसा हमने पीछे चित्र में देखा था। संकरण में प्रयोग नहीं होते, कह रहा है इस प्रकार एथीन अणु में सी सिग्मा सिंगल बॉन्ड सी के मध्य एक sp2 संकरित कक्षकों में सिग्मा आबंध जो कि 134 पिकोमीटर होता है, जो पी कक्षकों के मध्य होता है, संकरण में प्रयोग नहीं होते एवं अणु के तल के लंबवत होते हैं। तो जो सिग्मा आबंध है अणु का जो तल होता है उसके लंबवत होते हैं, कह रहा है। और आगे देखते हैं, सी सिंगल बॉन्ड एच यानी जो सी और एच के बीच आबंध है में sp3 सिग्मा आबंध की लंबाई 108 पिकोमीटर होती है एवं एच सी एच तथा एच सी सी आबंध कोण क्रमशः 117.6 डिग्री तथा 121 डिग्री होता है। तो यह आबंध का कोण भी दे दिया है, वैसे इन सब की जरूरत इतनी नहीं है, हमें केवल कैसे बनता है वो बताना है। अब यहाँ पर देखिए फिगर बना के दिखाया है, इंग्लिश वाली बुक में हमने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, तो यहाँ उतना समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश वाली बुक में थोड़ा ज़्यादा अच्छा देता है, तो उसमें हमने आपको बता ही दिया। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित अणुओं में सिग्मा तथा पाई आबंधों की कुल संख्या कितनी है, C2H2 तथा C2H4 पीछे हमने निकाल के बताया था। तो अगर C2H2 की बात करें तो C
इस तरह स्ट्रक्चर बनेगा। तो एक सिग्मा ये इनमें एक सिग्मा हो जाएगा। जब ज़्यादा बंद हो तो उनमें एक सिग्मा होता है, बाकी पाई होते हैं। तो एक सिग्मा है, दो पाई है, तो एक सिग्मा ये तीन सिग्मा हमारे पास हो गए। तीन सिग्मा अबंध हो गए, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, और ये जो दो बचे ये पाई हैं। इसको समझना। अब अगर हम C2H4 बनाएं तो C2H4 को देख लेते हैं। तो C डबल बॉन्ड C H H H H इस प्रकार से बनाएंगे। तो ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। सिंगल वाले सब सिग्मा होते हैं और डबल ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, बाकी सब पाई होते हैं। तो एक सिग्मा ये, 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 यानी पांच सिग्मा हो गए और एक ये पाई हो गया। इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। इसको पढ़ते हैं। C2H2 अणु में कुल तीन सिग्मा बंध, एक CC आबंध एवं दो CH आबंध में और दो पाई आबंध दोनों CC परमाणुओं में होते हैं। अभी हमने चित्र बना के सब बता दिया आपको। C2H4 अणु में कुल पांच सिग्मा आबंध, एक CC एवं चार CH आबंध के बीच एवं एक पाई आबंध परमाणु कार्बन परमाणुओं के मध्य होता है। तो हमने आपको बता दिया जितने सिंगल होंगे सब सिग्मा होंगे, जो डबल ट्रिपल होंगे उनमें एक सिग्मा होगा, बाकी सब पाई होंगे। तो इस प्रकार से आप किसी का भी निकाल सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है 29 नंबर। कह रहा है यक्ष अक्ष को अंतर्नाभिकीय अक्ष मानते हुए बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से कक्षक सिग्मा अबंध नहीं बनाएंगे और क्यों। तो यक्ष अक्ष को अंतर्नाभिकीय मानना है, यानी इंटरना न्यूक्लियर। तो पीछे हम लोग ये जो C2H2 और C2H4 बनाया था उसमें 2px 2py अक्ष ये सब बना के फिगर में हमने दिखाया है, तो उसी को आधार मान के यहाँ पढ़ लेते हैं। तो क्योंकि यक्ष अक्ष अंतर्नाभिकीय यानी इंटर न्यूक्लियर अक्ष है तथा वाई अक्ष यक्ष अक्ष पर लंबवत होता है। हमको पता है कि यक्ष वाई एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं, इसलिए 2py और 2py परमाणु कक्षक एक दूसरे से अतिव्यापन करते हैं। अब चूंकि 2py 2py एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, समांतर, इसलिए अतिव्यापन करते हैं, क्योंकि यक्ष अक्ष के दोनों लंबवत हो जाएंगे। अतः पी कक्षक अतिव्यापन संख्या से करते हैं जिसमें पाई आबंध बनाते हैं तथा 2px और 2py सिग्मा आबंध नहीं बनाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो पी कक्षक हैं ये पार्शियल अतिव्यापन करते हैं, पार्श्व अतिव्यापन करते हैं जिससे पाई आबंध बनता है। ये पी वाले जो है चाहे एक्स हो चाहे वाई ये सिग्मा आबंध नहीं बनाते हैं, पाई आबंध बनाते हैं। पीछे हम लोग पढ़ भी चुके हैं। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित अणुओं में परमाणु कार्बन परमाणु कौन से संकर कक्षक प्रयुक्त करते हैं। तो देखिए सब एक का फिगर बना लेते हैं, एक एक का, और वैसे बता देते हैं। देखिए CH3 हमने इधर बना दिया, तो एक को सिग्मा बांधते हैं बाकी सबको पाई, एक को यस बाकी सबको पी मानते हैं। सिग्मा बन गया, यस मानेंगे इसको, यस, तो ये तीनों पी हो जाएंगे, तो sp3 इधर हो गया, ये कार्बन भी sp3 हो गया, और ये कार्बन इसको यस मानेंगे तो तीनों को पी, तो ये कार्बन भी sp3 हो गया। तो CH3 अणु में कार्बन परमाणु sp3 संकरण प्रदर्शित करता है। अब इसमें इसी प्रकार देखेंगे तो ये तीन H जुड़े हुए हैं और एक ये, तो इसको अगर यस मान लें, इसको अगर हम इस बांड को यस मान लें, तो तीन CH3 हैं तो तीनों में एकल बंध रहेंगे तो वो P मानेंगे, तो sp3 हो जाएगा। इसको अगर माने तो ये H अगर नीचे चला जाएगा तो एक को
ये डबल बॉन्ड वाले को यस माने तो यस, और ये एक एच का बंध ये और एक बंध ये, तो एस पी टू हो जाएगा। तो ये सी एच वाला एस पी टू होगा। और इसको अगर देखें तो ये वाला हमारा, इसको यस माने तो ये दो एच रहेंगे, तो इसको यस और ये दोनों पी पी हो जाएंगे, तो एस पी टू हो जाएगा। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको यस ही मानेंगे, तो अच्छे से उत्तर निकलेगा। इसको देखिए फिगर बना के हम समझा देते हैं। तो ये हो गया। तो अगर इसको हम यस मानेंगे तो एक पी 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 तीन, तो एस पी थ्री हो गया ये वाला एस पी थ्री। अब अगर हम देखिए डबल बॉन्ड है तो इसको यस मानेंगे, तो अगर हम इसको यस मान लें तो ये दो बंद है, तो एस पी टू हो जाएगा। तो ये हमारा एस पी टू हो गया। इसको देखें अगर हम इसको यस मानते हैं तो दो बंद हैं, तो ये भी एस पी टू हो गया। तो दो एस पी टू हैं, एक एस पी थ्री है। इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। अब देखिए इसकी बात करें, सबको सिंगल बॉन्ड में तोड़ तोड़ के आप लोग लिख लिया करिए, उससे आसान रहता है। तो सी एच एच सी एच थ्री सी एच एच ओ एच। अब इस कार्बन की बात करें, अगर हम इसको यस मान लें तो तीन और हैं, तो पी होगा, तो एस पी थ्री हो जाएगा। इसकी बात करें तो एक को यस माना तो तीन है, तीन पी होंगे, तो ये भी एस पी थ्री हो जाएगा, दोनों एस पी थ्री रहेंगे। तो देखिए इसमें कार्बन परमाणु एस पी थ्री संकरण प्रदर्शित करता है। अब रही बात इसकी, तो इसको देखते हैं, तो इसको बना देते हैं, तो सी इस प्रकार से ये बन जाएगा हमारा। तो इसमें अगर इसको यस मान लें तो तीन ये हो गए, तो ये एस पी थ्री हो गया, ये वाला कार्बन एस पी थ्री हो गया। रही बात इसकी, तो अगर इसको यस माने तो ये देखिए पूरे को एक ही मानना पड़ेगा, ध्यान दीजिए, इसलिए हम कहते हैं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको यस मानिए, तो इसको यस मानेंगे तो दो पी है, तो एस पी टू हो जाएगा, तो ये वाला एस पी टू हो जाएगा। तो एक ये वाला एस पी थ्री है और बाकी ये वाला एस पी टू है। अब आगे देखते हैं, सी एच थ्री सी डबल ओ एच है, तो इसको बनाते हैं। इस प्रकार से संरचना बनेगी, कार्बन की चार संयोजकता होती है, एक दो तीन चार पूरी है, इधर भी दो 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 एक तीन एक चार पूरी है, ऑक्सीजन की दो होगी तो एक दो दो है, हाइड्रोजन की एक होगी तो एक है, सही है। तो ये अगर हम इसको यस मान लें तो तीन पी हो जाएंगे, तो एस पी थ्री हो जाएगा, ये कार्बन एस पी थ्री हो जाएगा। अब इसकी बात करते हैं, तो अगर इसको हम यस मान लें तो एक ये पी पी हो जाएंगे, तो एस पी टू हो जाएगा। देखिए एस पी टू और एस पी थ्री, तो ये एस पी थ्री होगा और ये वाला एस पी टू हो जाएगा। तो इस प्रकार से संकरण को हम लोग दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सारा संकरण निकालना हम लोगों ने, हमने आपको बता दिया है। और आज का लेक्चर बस यहीं तक, अब अगले लेक्चर में 31 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टडी करेंगे।